ना वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द पब्लिकेशन आउटलेट्स फॉर स्कॉलरली वर्क वो जर्नल्स जहाँ पर हमने अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश करना होता है उनकी सिलेक्शन कैसे की जाए और उनको कैसे ये जाना जाए कि वो रिसर्च वैन्यूज़ जो हैं वो कोई ओथेंटिक रिसर्च वैन्यूज़ हैं नॉलेज इज शेयर्ड एंड एडवास्ड स्कॉलरली बुक्स एंड जर्नल्स एंड विद इंक्रीजिंग फ्रीकुंसी इलेक्ट्रॉनिकली वी सी दैट वो किताबें और जर्नल्स जो पहले हम लाइब्रेरीज में जाकर बैठ के सर्च करते थे ढूंढते थे नाउ द इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ई लाइब्रेरी एंड ई जर्नल्स एंड एवरी थिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्कॉलरली पब्लिशिंग आउटलेट इज टू डिसमिनेट यूजफुल डिस्कवरीज एज सोन एज प्रैक्टिसबल समटाइम्स एज क्विकली अ फ्यू मंथ फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ स्टडी आज का जो टाइम है इसमें एक फुल फ्लैज थीसिस की जो शेल्फ लाइफ है जिसको हम पी एच डी का थीसिस कहते हैं दैट इज़ ओनली थ्री ईयर्स और अगर हम एक मास्टर्स थीसिस की बात करते हैं दैट नीड टू बी पब्लिश इन मैक्मम लेस दैन टू ईर्स टाइम इन फैक्ट आज के इस पास्टर टाइम के अंदर जो भी रिसर्च पेपर या रिसर्च वर्क कम्प्लीट होता है उसको एज सुन एज पब्लिश होना जरूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा रेपिड चेंजेस हो रही हैं विद टाइम कि हम उन उन रिसर्च रिजल्ट को जब वो पुराने हो जाते हैं उनको पब्लिशेबल कंसिडर नहीं करते क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंजेस हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं कि उस रिसर्च का इम्पैक्ट उस टाइम ड्यूरेशन के लिए तो करेक्ट होता है लेकिन शायद वो बाद में आने वाले सालों के लिए ठीक नहीं होता ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट की कि विद अ पीरियड ऑफ टाइम वी नीड टू चेंज देयर देटम्स वी नीड टू चेंज देयर लैंग्वेज वी नीड टू चेंज देयर कॉन्सेप्ट्स जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं इसमें पर्टिकुलरली हम देखते हैं वेज की अगर मैं एग्जांपल दूं कि एज की ब्रैकेट जो है वो विद ए पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज होती जा रही है क्योंकि आज एक दो साल का बच्चा भी उस नॉलेज को एक्सेस कर सकता है तो आज से दस साल पहले सिर्फ एक नौ साल का बच्चा जो स्कूल जाता था वो उसको एक्सेस करता था सो सिमिलरली द रिसर्च नीड टू बी पब्लिश एज सोन एज इट इज कम्प्लीटेड डिस्पाइट वन मट माइट इट टू बी सोफिस्टिकेटेड एंड कोलाबोरेटिव प्रोसेस साइंटिफिक राइटिंग्स एंड स्टडी पब्लिकेशन आर फुल ऑफ पोटेंशियल ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट when there are the multiple people working together in one research project, and there comes the publication issue, at times we find that this come, this process can become very disputeful. no matter how collaborative it is, one need to be fixed that who should be the author at what number. like, corresponding author, first author, konoga, kiski, contribution, to further this. although publications in scholarly outlets alone carry no direct monetary gains, अगर आपने एक रिसर्च जर्नल में अपना पेपर पब्लिश किया उसका इंस्टेंट फायदा आपको कोई मॉनिटरी तो नहीं है कि वो आपको कोई इन रिटर्न चेक दे रहे हैं और टाइम्स यू नीड टू पे बाई योर ओन सेल्फ फॉर द प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि वो जर्नल आपसे ले रहा होता है या उसने आगे अपने रिव्यूअर्स को पे करना होता है सो एट सच कोई मोनिटरी फायदा तो नहीं हो रहा था देन वाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन हैविंग बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स दैट मोटिवेट रिसर्चर्स फॉर द पब्लिकेशन

टेन रिसर्च आर्टिकल होंगे और उसके बाद आपके कुछ अपनी सर्टेन डिग्री होगी देन यू विलस्टेंट प्रोफेसर इसी तरह अगर आपके बी वर्क एज एन एसोसिएटेसरलीफ यू है सर्टन सर्विस लैंड सो ये जो रिसर्च पेपर्स हैं दे आर कंटिजेंट अपाउंड प्रमोशन इसलिए लोग रिसर्च वर्क को पब्लिश करना चाहते हैं और उसके अलावा जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होते हैं किसी भी एरिया में वो इस्टेब्लिश करते हैं दैट यू आर अ गुड रिसर्चर इन दैट एरिया और आप डिफरेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड या आपका बैकग्राउंड रिकॉर्ड आपके पब्लिश रिसर्च पेपर्स की बेसिस के ऊपर डिटर्मिन करते हैं पब्लिकेशन आल्सो एवेलुएट रिसर्चर स्टेटस अमंग देयर पीयर एंड मे इवन कन्फॉर मोर वाइड स्प्रेड फ्रेम अब वो फेम कैसे मिलता है एक अच्छा रिसर्चर जो है जिसकी कोई रिसर्च एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आ, बहुत अच्छे तरीके से वो पब्लिश कर रहा होता है उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख रहा होता है तो वो उस एरिया की एक अथॉरिटी बन जाता है और हम अपनी फील्ड के अंदर इस चीज़ को बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल किस फील्ड का है और उसका जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसने किस एरिया को एज अ पाइनियर जो है वो पाकिस्तान में डेवलप किया है देन कंपिटिशन टू गेट पब्लिश्ड कैन इंटरजेक्ट अनहेल्दी फीचर्स इन टू साइंटिफिक एंटरप्राइज जो हमें आजकल देखने में बहुत ज्यादा मिल रहा है अब फोकस ऑन क्वान्टिटी देन क्वालिटी दिस इज वन ऑफ द बिग इशू विच टाइम और हम उसके अंदर देखते हैं कि लोग शायद एक स्टडी को इन डेप्थ करने की बजाय उसको इस तरीके से करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो स्टडी कितनी जल्दी पब्लिश हो जाएगी सो बेसिकली दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस दैट वी फोकस ऑन द क्वान्टिटी कि आपने दो सौ पर्चे छाप लिए हैं राधर दैन के उन दो सौ पर्चों में से कोई भी एक पर्चा ऐसा नहीं है जिसको इंटरनेशनली लोग साइट करते हो जिसको लोग रिकोगनाइज करते हो एज अ रिमार्केबल वर्क अदर क्रिटिसिज्म इंक्लूड द टेंडेंसी फॉर ऑथर्स टू इन्फ्लेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर वर्क एंड फेलिंग टू प्रोवाइड सफिशेंट डिस्कशन ऑफ स्टडी लिमिटेशन बात रिसर्चर्स अपनी रिसर्च में अपनी स्टडी की इम्पोर्टेंस को उसकी राशनेल को बहुत हाईलाइट करते हैं लेकिन उस स्टडी में जो उनको रियल टाइम चैलेंजेस फेस किए होते हैं जो उनकी लिमिटेशंस होती हैं उसकी डिस्कशन में वो बिल्कुल भी बात नहीं करते विच ऑल्सो फील्स के दिस इज अ फ्लॉलेस स्टडी सो वन स्टडी कुड नॉट बी फ्लॉलेस एंड टू राइट दियर लिमिटेशन क्योंकि अगर आप एक अच्छी रिसर्चर हैं तो आपको पता होगा कि आपकी रिसर्च की लिमिटेशन क्या है कौन से वेरिएबल्स कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हैं एंड वी आर यू नीड टू एड्रेस इन टू द कंक्लूजन सेक्शन एनदर मेजर इश्यू रिगार्डिंग पब्लिकेशन आउटलेट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स नाउ दिस इज वन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इलेबोरेट ऑन क्योंकि प्रीडेटरी जर्नल्स आजकल इतने ज़्यादा हैं जिनको जो नाइफ बच्चे होते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता वर्नल एच ई सी रिक्नाइज विच इज बीस्ड इन एंड ये जर्नल्स जो हैं वो कौन से हैं और कलोन जर्नल्स कौन से हैं जो बेसिकली उनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है उनकी कोई रिकोगशन नहीं है वो फेक जर्नल्स हैं या वो भी इस्टेब्लिश होने के प्रोसेस में है और वो अनोइंगली उन जर्नल्स में अपने पेपर्स को पब्लिश uh, करवा लेते हैं टू स्केप्टिकली एग्जामिनिंग द पब्लिश कॉन्टेंट प्रैक्टिस एंड वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट द पब्लिशर इफ नेसेसरी बेसिकली इसका सबसे ईजी सोल्यूशन जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि एच ई सी हैज डिवाइज एंड एच ई सी जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम आप उसको ओपन करें उसमें उस जर्नल का नाम डालें अगर वो उस जर्नल को शो करता है इन एनी ऑफ द कैटेगरी इट मीन्स दैट दिस इज अ जर्नल विच इज रिकोगोगनाइज एंड यू कैन पब्लिश योर वर्क इन दैट जर्नल अदरवाइज दैट इज अ प्रिडेटरी जर्नल एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पुटिंग योर वर्क इन टू एनी ऑफ दैट प्रिडेटरी कोलोन जर्नल्स एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर रिसर्च मेटीरियल बिकॉज अगर आप अच्छी जगह पर पब्लिश करेंगे ओनली देन योर वर्क वुड बी साइटेड एंड अदर पीपल्स आर गोइंग टू रिकोगनाइज योर एफर्ट्स